नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों आज रविवार है, रविवार के दिन मैं आपको अपने गार्डन में खिले हुए रंग बिरंगे फूल दिखाऊंगी। इस समय गार्डन में डिफरेंट कलर के जो है फ्लावर्स खिले हुए हैं, तो आज मैं उनके बारे में आपको बताने वाली हूं और सबके नाम भी बताऊंगी और जो है कुछ केयर टिप्स भी बताऊंगी। तो देखिए शुरू करते हैं चांदनी के प्लांट से ही। चांदनी के प्लांट में देखिए कितने सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं और साथ ही लाल रंग की देखिए कितनी सुंदर सी साइप्रस वाइन आ चढ़ी हुई है इसके ऊपर। तो साइप्रस वाइन जो है ये काफ़ी छोटे छोटे फूल खिलते हैं इसमें, और ये एक फूल खिलने के बाद जो है इसमें बीज बहुत बनते हैं, तो ये काफ़ी सुंदर है। बीज से दोबारा से आप इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो जितनी धूप पड़ेगी चांदनी के प्लांट जो है उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। तो ये पूरा मेरा साइप्रस के वाइन ने जो है चांदनी के प्लांट को घेर लिया है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं साइप्रस के फ्लावर्स, देखिए पूरे भरे पड़े हैं। ये देखिए आप पूरे में साइप्रस के छोटे छोटे लाल रंग के फूल हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको देखिए इस तरह से जो है ये हैंगिंग बास्केट बताई थी, तो काफ़ी अच्छी चल रही है मेरी हैंगिंग बास्केट। देखिए चारों पांचों इस तरह से लगी हुई हैं। गुड़हल की हाइब्रिड वैरायटी तो सुंदर होती हैं, देसी वैरायटी भी कम नहीं होती हैं। तो देखिए देसी वैरायटी का ही है गुड़हल, कितना सुंदर लग रहा है। इसमें जो है आज इस तरीके के बहुत सुंदर फूल खिले हैं, पर गुड़हल की एक ही कमी है कि इसका फ्लावर जो है एक ही दिन तक रुकता है। तो देखिए कितने सुंदर फूल हैं गुड़हल के। गुड़हल के फूल को जो है आप ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए भरपूर धूप दीजिए इनको, इनको धूप बहुत पसंद है। और इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखिए, मतलब इसमें नमी भी जो है इसकी मिट्टी में बनी रहनी चाहिए। हाइब्रिड वैरायटी तो खिलती ही है, देसी वैरायटी भी कहती है हम किसी से कम नहीं। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, एक साथ तीन फ्लावर खिले हुए हैं इसके अंदर वाइट कलर के गुच्छे वाले। ये हैं सिंगल वाले जो फाइव पेटल्स वाले होते हैं, ये भी गुड़हल के ही हैं देसी वैरायटी। बिंका जिन्होंने बारिश से बचा लिए हैं उनके यहाँ खूब फ्लावरिंग कर रहे होंगे। तो ये देखिए ये सब हाइब्रिड वैरायटी के हैं, खूब सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए ये मैंने विंडो में संभाल रखे हैं किस बारिश से बचाने के लिए, क्योंकि बारिश तो इस पर थोड़ी बहुत पड़ती है तो कब इसके फंगस की चपेट में ले लेती पता ही नहीं चलता है। ये देखिए एक जोरा पर मैंने आपको पूरा वीडियो शेयर किया था कि किस तरह से कई लोग कह रहे हैं इनकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ये देखिए ये जो है शुरू हो गई थी इसकी मार्च से फ्लावरिंग, और अब ये सितंबर चल रहा है, अभी अक्टूबर तक देखिएगा आप इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये देखिए कितने फूल आए हुए हैं। तो ये देखिए पूरा भरा पड़ा है ये पिंक कलर का, और कितने फ्रेश फ्लावर्स हैं इसके। ये देखिए रेड कलर का एक जोड़ा, और अब मैं आपको इसकी बड्स दिखाती हूँ। देखिए पूरी भरी पड़ी है कितनी सारी। जो लोग कहते हैं इसको सॉइल को जो है इसमें ड्राई चाहिए, इसकी सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखिए इस मौसम में। इसको अपने आसपास जो है मॉइस्ट ह्यूमिडिटी क्लाइमेट क्या, इस प्लांट को अकेला ना छोड़िए, बहुत सारे प्लांट के साथ रखिए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। एक तो पॉट में लगे होते हैं प्लांट, तो निश्चित एरिया में उनको ग्रोथ करनी होती है, नहीं तो ये प्लांट जो है झाड़ीनुमा प्लांट है, इन प्लांट को काफ़ी ज़मीन में जगह रखेंगे तो जैसा भी क्लाइमेट मिलेगा ये सहन कर लेते हैं। पर पॉट में इसको जो है बहुत सारे प्लांट के साथ झुंड में रखिए, तो ये मेरे को एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसको मॉइस्ट क्लाइमेट बहुत पसंद है। अभी मैंने आपको पिंक दिखा दिया, रेड दिखाया, और ये देखिए येलो भी कम कम नहीं हो रहा है, येलो में भी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है। मेरा गिलाडिया देखिए आपको मैं तीनों कलर दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें रेड और येलो दोनों, ये रेड ज़्यादा होता है इसके अंदर, और देखिए सिर्फ पॉट में लगे हुए हैं कितने सुंदर इनमें जो है फ्लावरिंग हो रही है। इसके जो पुराने फूल हैं उनको थोड़ा नीचे से काटना पड़ता है, जैसे ये फ्लावर ख़त्म हो गया इसको नीचे से काटिएगा, तो जिससे प्लांट जो है ये गोल शेप ये रहता है। और देखिए तीसरा कलर देख लीजिए आप, कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं इनके अंदर। फ्लावरिंग प्लांट के अलावा सब्जी वाली जो वेजिटेबल्स बेल होती हैं उनमें भी जो फ्लावरिंग खिलती है वो भी बहुत अट्रैक्ट करती है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, ये जो है तोरई की बेल है, ये देखिए देसी तोरई लग रही है इस तरह से। विंटर की पिटोनिया को तो अभी खिलने में टाइम है, समर का पिटोनिया जो है ये देखिए फुल जो है डॉर्फ वैरायटी वाला, कितने अच्छे ब्लूम्स आए रहते हैं इसके अंदर। सुबह सुबह आते हैं, बस 12-1 बजे के बाद ये बंद हो जाते हैं। पर्सिलेन पार्चुलोका की आपके जो पुराने प्लांट हैं उनसे नई कटिंग देके दोबारा प्लांट लगा दीजिए, तो आपके प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये देखिए कितने सुंदर इसमें जो है येलो और जो है रेड कलर के फ्लावर्स खिले हुए हैं। जीनिया लोक एयर में चलने वाला प्लांट है, एक फूल जो है 8-10 दिन चल जाता है, तो बाद में जो है इन्हीं में ही इसके सीड्स रेडी हो जाते हैं। जो पुराने प्लांट होते हैं वो थोड़े ज़्यादा घने और गुच्छे वाले हो जाते हैं, नए प्लांट जो है ये देखिए छोटी छोटी कलियाँ हैं, कुछ दिन में ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, तो पुराने में जो है आपने कट करके हटा देने पड़ते हैं। तो देखिए जीनिया कितना अच्छा खिल रहा हुआ है।
मॉर्निंग ग्लोरी का मेरा एक ही प्लांट खिल पाया, एक ही बेल में जो है फ्लावरिंग हुई, पर दिल खुश कर दिया इसने। देखिए कितनी ऐसी भरी रहती है सुबह के समय, इसको निहारते रहने का मन करता है, कितनी सुंदर लग रही है। साथ ही मेरी साइप्रस की बाइन भी चढ़ी हुई है इसी के ऊपर, तो कितने सुंदर सुंदर जो हैं फूल खिले हुए हैं। हालांकि इसमें तीन कलर कॉमन होते हैं, जो मेरे पास ब्लू कलर देख रहे हैं, इसके अलावा जो है पिंक और वाइट भी आता है, तो मेरे उसमें जो है यही निकला था। देखिए कितने सुंदर इसमें फूल खिले हुए हैं। ब्राइडल ऑफ इंडिया भी अभी खुश चल रहा है, काफ़ी फ्लावरिंग कर रहा है। देखिए पिंक कलर के फ्लावर्स हैं इसमें खिले हुए। टोरोनिया तो मैंने फर्स्ट बार अपने गार्डन में ऐड किया तो मुझे बहुत पसंद आया। इस प्लांट को बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई ज़्यादा केयर नहीं है। जो फूल खिल जा रहे हैं उसकी कटिंग कर दीजिए। प्लांट अगर आपका काफ़ी लंबा हो गया तो उसमें जो है ऊपर से बिल्कुल आधा क्रोन कर दीजिए, तो नए नए शूट्स आएंगे, प्लांट शेप में रहेगा। और देखिए डिफरेंट कलर हैं इसमें, ये कलर ये खिलता है, तो एक कलर ये वाइट खिलता है और एक ही पिंक कलर खिलता है। कितना सुंदर इसका इस तरह से पूरा, ये देखिए पूरा भरा पड़ा है फूलों से। चांदनी बड़ी हो या छोटी हो, किसी भी वैरायटी की हो, फुल ब्लूम पर चल रही हैं इस समय। देखिए कितने सुंदर, लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें तो ये जो है, और जो खिले हुए फूल हैं ऊपर से थोड़ा सा क्रोन करते रहें तो प्लांट जो है बुशी भी होगा और फूलों से भरा भी रहेगा। लैंटाना को जो है बारिश का मौसम पसंद है, तो ये जो है देखिए किस तरह से अच्छे अच्छे ब्लूम निकालता है। तो इसकी भी जो प्लांट अगर अनसेफ होता है तो इसको सेफ में रखने के लिए आप कटिंग कर दीजिए ऊपर से, तो नए शूट्स अच्छे आते हैं उनमें अच्छी फ्लावरिंग होती है, नहीं तो इसमें सीड फॉर्मेशन होने लग जाता है, तो प्लांट में उतनी खूबसूरती नहीं रहती है। ये देखिए कितना सुंदर लगता है ये फूल भी। ये जो है टिकोमा की डॉर्फ वैरायटी होती है, इसमें तीन तरह की आती हैं, ऑरेंज और जो है मेरे पास येलो है, एक जो है ब्लू कलर की जैसे पर्पल कलर टाइप की भी आती है, वो नहीं है मेरे पास। तो ये भी काफ़ी सुंदर फ्लावर होता है, इसके भी जो फ्लावर खिल जाते हैं तो इसमें जो है स्टिक कट कर देनी चाहिए। रसेलिया या फायर क्रेकर ये भी खुश चल रहा है, इसमें भी जब कुछ सूखी सूखी ब्रांच दिखने लग जाती है तो उनको कट कर देना चाहिए। कट करके इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहिए, क्योंकि इसमें गुड़ाई करने के लिए स्पेस इस प्लांटर में कम होता है, क्योंकि ये काफ़ी झाड़ीनुमा प्लांट होता है, तो बहुत जल्दी जो है ये ग्रोथ करके अपने प्लांटर को भर देता है। तो इसमें जो है आप वैसे सॉलिड वाली फर्टिलाइजर बार बार नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो गुड़ाई नहीं हो पाती ढंग से, तो किनारे किनारे करती भी हूँ, तो इसमें जो है लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब देखिए ये बुश वाला जो है अलमंडा, ये भी किसी से कम नहीं है कह रहा है, तो देखिए इसमें भी ऐसी फ्लावरिंग हो रही है, खूब जम के फूल खिले हुए हैं। बिना मेहनत के चलने वाला प्लांट है ये कॉस्मोस। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है उनको अपने गार्डन में कॉस्मोस ज़रूर ऐड करना चाहिए, पर प्लांट की खूबसूरती के लिए तो आपको जो फूल खिल जाते हैं उसके बाद जो बनते हैं सीड बहुत ज़्यादा बनने जाते हैं तो उनको हटाते रहना पड़ता है। जब आपको सीड चाहिए तब छोड़ दीजिएगा। तो ये कॉस्मोस जो है बिना मेहनत के चलने वाला प्लांट है। अपराजिता ब्लू कलर की और वाइट कलर की सब साथ खिल रही है। इस प्लांट में तो आपको फ्लावरिंग चाहिए तो इसे मेन काम आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि आपने सारी जो है इस तरह की जितने भी सीड फॉर्मेट हो रहे हैं मत होने दीजिए, अभी इनमें हटाते रहें, तो ये बहुत ज़रूरी काम है, नहीं तो इसमें फ्लावरिंग कम होती है। जीनिया का देखिए एक खूबसूरत कलर ये खिला है और ये लाइट पिंक है, मल्टी पेटल्स हैं सारे ये। पेंटास देखिए कटिंग से लगाइए चाहे नर्सरी से लाइए, खूब अच्छे इस समय जो है इसमें ब्लूमिंग होती है। ये रेनी सीजन जो है इसका फेवरेट सीजन होता है, इसको बहुत पसंद होता है, तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। बस इसमें यही है कि देखिए इसमें थोड़े से फूल बचे हैं तो इसकी चिंता ना करें, इससे पहले ही इसको हटा दें। और जो मैंने काटा है इससे नौ पिंच करने से अच्छा है आप सीजर से कटिंग करें, तो मैंने अभी बताने के लिए करा, मैं सीजर से करती, सीजर से जो है प्लांट के टिश्यू जो होते हैं डैमेज कम होते हैं। ये देखिए ये भी कितना सुंदर जो है डॉर्फ वैरायटी वाला मुसंडा है, कितना प्यारा लग रहा है। ये भी देखिए कितने पीले पीले कलर के फूल खिले हुए हैं इसमें, लॉन्ग टाइम से खिल रहे हैं ये ब्लीडिंग हार्ट के फ्लावर्स। ऊपर की तरफ मेरे पिंक खिल रहे हैं इसी पॉट में, और नीचे की तरफ मैंने जो है ये रेड कलर का कटिंग से तैयार किया हुआ है। मॉन्की टेल की जो टेल होती है देखिए इस सीजन में बारिश का पानी से कितनी लंबी लंबी हो जाती हैं। ये मुसंडा के कपड़े नुमा फ्लावर्स होते हैं, बिल्कुल इनको इस पर टच करने पर एक अलग फीलिंग होती है, तो ये देखिए कितने प्यारे लगते हैं, ये भी बहुत टाइम तक चलते हैं फ्लावरिंग। इसमें बालसम जो है छोटे छोटे पॉट में भी हो जाती है, इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखिए। तो ये मल्टी पेटल वाली रेड कलर वाली मेरे पास रेड ये खिल गई है, पिंक पहले ख़त्म हो गई है, अब एक दूसरी और खिलने लग गई है। ये लॉलीपॉप फ्लावर है, ये भी देखिए बहुत समय तक ऐसे खिलता रहता है। ये गुड़हल देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है। ये भी ये छोटी छोटी टोकरियों में देखिए मैंने टोरनिया और जो है पर्सलैन पार्चुला का इस तरह से ग्रो कर रखे हैं, तो यहाँ जब इस समय धूप पड़ रही है तो इन फूलों की जो है खूबसूरती क्या बताऊँ, काफ़ी सुंदर लग, जितना मैं इसमें कैमरे में नहीं आ रहा है उससे ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से।
ये बस यहाँ सनलाइट इस समय पड़ती है तो देखिए इनका ब्लूम। अलमंडा भी बारिश के पानी से खुश रहते हैं, तो मेरे पास जो है अलमंडा की अब तेज़ धूप पड़ने लग गई है, थोड़े फूल झुकने लग गए हैं, काफ़ी नाजुक होते हैं ये फूल, तो देखिए वैसे जो है पूरा ये फूलों से भरे पड़े हैं, ये इतने फूल आए हुए हैं इनके ऊपर, देखिए कितना सुंदर कलर खिला हुआ है, ये खूब सारे भरे हुए हैं, इधर तक फूल ही फूल हैं इनमें, ये देखिए। ये सनफ्लावर को मैं उखाड़ूंगी सोचा, और उखाड़ते उखाड़ते रह गई हूँ, तो देखिए कितने फूल आ गए हैं इसके ऊपर भी, कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, पानी मांगता है ये खूब। गुलमोहर देखिए, इसमें सीड फॉर्मेशन भी हो रहा है, साथ ही सुंदर सुंदर फूल भी खिल रहे हैं। नागचंपा की तो बाहरी छाई रहती है इस समय, ये देखिए कितने प्यारे ब्लूम हैं, ये देखिए कितने प्यारे खिले हैं, ये देखिए गुड़हल का एक कलर ये भी है, ये कॉमन रेड खिलता है जो, और ये देखिए लाइट येलो कलर का, ये लैंटाना देखिए येलो कलर का। आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप हो गई है अभी, रात को कल बारिश हुई थी। ये देखिए मैंने आपको रेड कलर की दिखाई थी ये बालसम, अब देखिए मेरे यहाँ ये रानी कलर की कितनी प्यारी बालसम है ये, और ये बहुत लॉन्ग टाइम चलेगी, रेड कलर वाली ख़त्म हो जाएगी, ये नवंबर दिसंबर तक फ्लावरिंग करती हैं। ये देखिए वाइट कलर का मुसंडा कितना प्यारा खिला हुआ है ये भी, ये क्यूबन बटरकप के प्लांट हैं, बहुत लोग यार में चलते हैं ये भी, सुबह सुबह खिलते हैं, 12 बजे के बाद ये बंद हो जाते हैं। अभी आपको मैंने पिंक पेंटास दिखाया, रेड पेंटास दिखाया, अब मेरा वाइट पेंटास देखिए ज़रा आप, कितना सुंदर फूलों से भरा पड़ा है ये भी। ये देखिए जेट्रोफा कितने सुंदर फूल खिल गए हैं इसमें भी, ये देखिए कितने प्यारे हैं, साथ ही देसी सदाबहार, तो इसकी तो कुछ कहना ही नहीं है, तो काफ़ी फ्लावरिंग पर आया हुआ है दोस्तों। ये देखिए कटिंग से तैयार कर लीजिए अब इसके प्लांट आप, जिसमें आपका एक प्लांट अच्छा निकल जाता है तो उसके प्लांट को हमने कटिंग से नए प्लांट तैयार कर लेने हैं, नहीं तो जो हम प्लांट लगाते हैं पता नहीं चलता है कौन सा सिंगल पेटल निकलेगा कौन सा डबल पेटल, तो सिंगल पेटल कई बार अच्छे हेल्दी प्लांट दिखाते हैं और लगता बाद में उससे सिंगल पेटल का है, तो कटिंग से इस बार तैयार कर सकते हैं हम इस समय इनको, गेंदे के प्लांट को बहुत अच्छा समय होता है ये। ये देखिए सदाबहार का एक पुराना प्लांट है, देसी वेराइटी है, कितना फूलों से भरा पड़ा है देखिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको अपने गार्डन में इस समय खिले हुए कुछ फूल दिखाए हैं, और अभी काफ़ी है पर बहुत तेज़ सनलाइट हो चुकी है इस समय, दिन के जो हैं अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है, 10 नहीं बजे हैं, पर धूप देखिए आप बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, तो अब मैं वीडियो बंद करती हूँ, तो आज संडे को इन्जॉय करिए और मेरे गार्डन की ब्यूटी को इन्जॉय करिए, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।